उधर अंबेडकर नगर में मोहर्रम के मातमी जुलूस में शामिल शिया अंजुमनों ने नौहा पढ़ा। इस नौहे की रचना अभी कुछ दिनों पहले ही हुई हमले की परिस्थितियों को देखते हुए जिले के एक शायर ने लिखी थी। इसकी हर एक पंक्ति में अलग अलग तरीके से देश की खूबियां बयां की गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसकी तारीफ भी की। इंसानियत और भाईचारे का संदेश बयां कर रही इस नौहे की पंक्तियां अभी तक इसके पहले मातमी जुलूस द्वारा शायद ही कभी पढ़ी गई हो। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए शहजादपुर कस्बे के शिया समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे की मिसाल को कायम किया। मुहर्रम जो मनाया जा रहा है, इसकी इब्तिदा, इसकी बुनियाद जनाबे जैनब इमाम हुसैन सलाम की जो बहन थी, उन्होंने दरबार शाम में इसकी बुनियाद रखी और सबसे पहली जो मजलिस कराई हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करवाई और वहां से स्टार्टिंग हुई। और वहां से स्टार्ट हुआ जब ये मजलिस आजा, ये मुहर्रम, तो उस वक्त से लेकर अब तक और अब से लेकर रहती दुनिया तक ता कयामत ये कायम और बाकी रहेगा। नोहे का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। नोहे मातमी दस्ते ने जो नोहा पढ़ा उसमें भारत की विशेषता बताई गई जो कि वसुधैव कुटुंबकम की है। हर धर्म, हर वर्ग के लोग अपनी मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पे जीवन